पास है पूरा का पूरा एक प्लेट। अब इस प्लेट में क्या क्या है? गाइस व्हाट्स अप, दिस इज बाय सोनू मिश्रा बैक अगेन विद अनदर वीडियो विद मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड किया था। जी हाँ, और वो टॉपिक है भैया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, या बाल झड़ रहे हैं तो बालों के लिए, या किसी भी चीज़ को बॉडी को फिट रखने के लिए आपको डाइट क्या क्या लेना चाहिए, जिससे कि आप फिट भी रहो, बाल भी आपके हेल्दी रहे, स्किन भी आपकी ग्लोइंग रहे और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी बढ़ती रहे। फाइनली आ चुका हूँ डिमांडिंग वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नया नया वीडियोज बनाने के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ कि भैया ये जो मेरे सर पे आपको बाल दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से नहीं आया, कि हालांकि आज से 3 साल पहले मैं ऑलमोस्ट बाल्ड हो चुका था, 4 to 5 grade की बाल्डनेस थी एंड मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, इन चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद पिछले 2 साल से मैं मेडिसिन वगैरह छोड़ रखा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिलिन लगाता हूँ, मिनोक्सिलिन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगाता हूँ। तो यदि आप लोग कहोगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन 2 सालों से मैं बिल्कुल और बिल्कुल डाइट पर निर्भर हूँ और डाइट करके ही मैंने अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाई हुई है, साथ साथ बीच में मैं GFC वगैरह लेता रहता हूँ। तो भैया अब डाइट में मैं क्या क्या लेता हूँ इस वीडियो में इस टॉपिक पे करने वाले हैं बात, लेकिन यदि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या आपके बाल झड़ रहे हैं या आप गंजे हो रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि भैया ये बाल्डनेस ग्रेड कौन सा है, हेयर ट्रांसप्लांट कैसे क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, कितना कॉस्ट लगता है, यदि इन सारे चीज़ों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो एंड डेफिनेटली आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं अपने लेवल पर आपको चीज़ें जो है बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। अब शुरू करते हैं डाइट के ऊपर। देखो डाइट का जो रोल है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है। मेरे पास सबसे पहला है ये है करेला, ठीक है, करेला के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बॉइल की हुई है, और उसके अलावा है आंवला, आंवले पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि आंवला मैं किस तरीके से खाता हूँ, लेकिन ये दोनों आंवला और करेला बॉइल किया हुआ है। मेरे पास है पनीर जिसको हम बोलते हैं चीज, ये पनीर कितना ग्राम है, उसके अलावा मेरे पास है क्या सैंडविच, उसके अलावा मेरे पास है पूरा का पूरा एक प्लेट, मेरे पास है ये पीनट बटर का डब्बा, तो ये मेरी डाइट है। इसके साथ साथ और भी सारी डाइटें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपको भी कंज्यूम करना चाहिए, आपके बालों की ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको फिट रहना तब भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम इस कटोरी की बात करते हैं, इसमें है 2 करेला और 3 आंवला जो कि बॉइल किया हुआ है, और इसको मैं सॉल्ट के साथ खाता हूँ। सॉल्ट भी कौन से, या तो आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हो या फिर आप पिंक सॉल्ट ले सकते हो, उनके साथ है वो खाना चाहिए, सफ़ेद सॉल्ट को तो आपको छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा है यहाँ पर सैंडविच, सैंडविच में 3 इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, सबसे पहला है ब्राउन ब्रेड, उसके बाद है चीज़ पनीर, और फिर है पीनट बटर इसमें मिला हुआ, साथ में मैंने एक्स्ट्रा पनीर रखा हुआ जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होती है। यहाँ पर है मेरा पीनट बटर का डब्बा, ये है माई फिटनेस का जो कि मैं अमेजन से मंगाता हूँ, यदि आपको चाहिए तो आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर चेक करके आप मंगा सकते हो। तो हम बात करते हैं इस प्लेट की, इस प्लेट में क्या क्या मिला हुआ है, सबसे पहला है 4 केला, 4 केले के साथ साथ यहाँ पर मिला हुआ है बादाम, साथ में है मेरे पास म्यूसली, ये फ्रूट्स एंड नट्स वाली म्यूसली है, इसके अलावा मखान है, और यहाँ पर है मेरे पास ओट्स, ओट्स भी मैं लेता हूँ, साथ साथ काजू है, उसके अलावा मेरे पास है ब्लैक किशमिश, साथ ही है मूंगफली, और इन मूंगफली को साथ देखो इनको खाने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो या फिर आप सामने रखा हुआ है मेरे मिक्सचर उसमें आप पीस के भी इनका जो है शेक बना के भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी खाना खाते हो वो खाना आपको नहीं छोड़नी है, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना ही करना, जिससे कि आपके बाल हेल्दी रहे, ग्रोथ प्रॉपर देती रहे और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे। ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया हुआ है और मैं डेली बेसिस पे इनको कंज्यूम करता हूँ, लेकिन एक चीज बता दूं आपको, आंवला और करेला मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खाता, जब कंटिन्यू करना होता तो मैं 15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यू खाता, फिर बीच में छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीक में 1-2-3 दिन तो खा ही पाऊँ। तो आपको भी अब चाहो तो इस तरीके से जो है अपना मैनेज कर सकते हो,
साथ ही साथ यदि आप नॉनवेज खाते हो इसमें आप चिकन ऐड कर सकते हो, एग ऐड कर सकते हो, फिश ऐड कर सकते हो, जो भी चीज आपको ऐड करना हो आप कर सकते हो। यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई है मैं कितने ग्राम में करता हूँ, कितना प्रोटीन है उसमें, कितने कार्ब्स है, कितना फैट है, कितना शुगर है, इन सब के ऊपर वीडियो जाते हो तो मैं यहाँ पर एम कर रहा हूँ 500 लाइक्स के। यदि आप लोग 500 लाइक पहुंचा देते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और वहां पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने वीडियोस जो है बना के दिखाऊंगा। तो इसलिए लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके बालों को बचाएगी, आपको हेल्दी रखेगी, आपके स्किन को ग्लो करवाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।